भगवान शंकर दूल्हा है, पार्वती मैया दुल्हन है। शिव बना है, पार्वती जी बनी है। खूब श्रृंगार करा गया, खूब श्रृंगार, विवाह हुआ, बहुत सुंदर विवाह। ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनि कर रहे हैं, मंगल भावर फिरी है, सिंदूरा मांग में दिया गया है और सुंदर आभूषणों का श्रृंगार जो था वो शिवालय से जो लाया गया वो शिव जी के द्वारा लाया हुआ पहनाया गया। सौभाग्यवती माताओं को बुलाया गया है, सौभाग्यवती माताएं आई हैं। क्यों बुलाया? पहले बेटी जब विदा होती थी तो सौभाग्यवती माताएं उसको बूढ़ी माताएं गांव की बुजुर्ग माताएं सौभाग्यवती माताएं सुहासनी माताएं उसको ज्ञान दिया करती थी कि बेटी घर में कैसे रहे, ज्ञान बेटी को समझाते थे कि बेटी ससुराम रहियो तो चांद बन के। बेटी ससुराल में रहना, चांद बन कर रहे, ससुराल में रहना, घर में यहां कैसी भी रही हो पर ससुराल में थोड़ी ढक कर मूंद कर रही, पल्लू डाल कर रही। ओ बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। बेटी हीरे पन्ने की दुकान देखिए, चारों तरफ से बंद होती है, पेक होती है, उसके अंदर हीरा पन्ना रखा जाता है। ससुराल में रहना, सिर पे पल्लू डला रहे, तन ढका रहे, ऐसा छोटी बन कर रही है। सौभाग्यवती माताएं कर रही है पार्वती जी को छोटे बन कर रहे हो। कैसे बन कर? छोटे। छोटे का मतलब मालूम है? एक माँ के दो बेटे, एक 12 साल का है, एक 4 साल का। 12 साल के बेटे को भी भूख लग रही है, 4 साल के बेटे को भी भूख लग रही है। 12 साल का बेटा कहता है माँ मुझे भोजन दे दे। माँ ने रोटी सब्जी एक प्लेट में रख कर दे दी। 4 साल का बेटा कहता है माँ मुझे भूख लग रही है। माँ ने रोटी में घी लगाया, नॉन मिर्ची लगाई, थोड़ा सा नमक लगाया और रोल कर कर फिंगर कर कर गुट्टा बनाकर 4 साल के बेटे को दे दिया। 12 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर भोजन कर रहा है और 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर खाता जाए, जाता जाए, चलते फिरते भोजन कर रहा है। भगवान से कहना है भोलेनाथ हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह पर बैठकर 12 साल के बेटे जैसा, जैसे वो भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बना दे कि चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तेरे धाम पहुंच जाएं। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।